गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए क्लास फोर हिंदी चैप्टर नंबर है 10, कुछ रोचक संस्मरण। कुछ रोचक संस्मरण का मतलब होता है कुछ मनोरंजक स्मरण करना, बार बार उसे ध्यान करना, मनोरंजक संस्मरण कथाएं। देखिए देखिए कुछ रोचक संस्मरण का मतलब होता है कि लेखक के द्वारा जो रोचक घटनाओं का व्याख्या करते हैं वही संस्मरण कहलाता है। वो एक देखी हुई घटना का जो उल्लेख करते हैं वही रोचक संस्मरण होता है। देखिए दिया है प्रस्तुत पाठ में कुछ महान पुरुषों के शिक्षा प्रद संस्मरण दिए हैं, आइए पाठ पढ़े। इसमें दिया है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सच्ची शोभा। क्या है सच्ची शोभा? यानी सुंदरता है, सच्ची सुंदरता। तो देखिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर के लिए क्या चीज है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर है वो विधवा महिलाओं के मसीहा कहे जाने वाले हैं। क्या कहलाते हैं? विधवा महिलाओं के मसीहा किसको कहते हैं? ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में थोड़ी जानकारी है, ये विधवा महिलाओं के मसीहा कहते हैं इनको, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। इनका जो जन्म है, इनका जन्म 26 सितंबर सन 1820 को पश्चिमी मेदिनीपुर जिला पश्चिम बंगाल बंदोपाध्याय। इनके बचपन का नाम था। वे बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से थे। वे बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से क्या थे? एक थे। ये रहा ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में। अब देखिए आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की आर्थिक स्थिति कुछ दिनों बड़ी खराब रही थी, लेकिन इन तंग दिनों में भी उनकी माँ कभी अपने द्वार से किसी को भूखा नहीं जाने देती थी। तंग यानी कठिनाइयों में थी, लेकिन फिर भी ईश्वरचंद की जो माँ थी वो अपने घर आए मेहमान हो चाहे कोई हो उनको भूखा नहीं जाने देती थी। कुछ समय बाद एकाएक भाग्य ने पलटा खाया। विद्यासागर की जी की तनख्वाह 500 रुपए हो गई। यानी वो कहीं पे जॉब कर रहे थे तो उनको बहुत कम तनख्वाह मिल रही थी। यानी जो महीने में जो लोग काम करते हैं उसका जो रुपया पैसा मिलता है वही तनख्वाह होता है, यानी वेतन। तो क्या करते हैं
कि उनका भाग्य एक दिन एकाएक पलट गया, उनका किस्मत जो है एक दिन एकाएक ऐसा हुआ कि उनकी जो तनख्वाह थी, वेतन था, पेमेंट था, वो 500 रुपए हो गया। इसके बाद देखिए, ऐसे ही समय उनका एक मित्र उनके घर आया, ऐसे ही समय उनका एक मित्र उनके घर आया। उसने जब विद्यासागर जी की माँ के हाथों में मामूली चूड़ियां देखी तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, माँ जी, इतने बड़े अधिकारी की माता होने के नाते ये मामूली से हाथी दांत की चूड़ियां आपके हाथों में शोभा नहीं देती, आप तो अब सोने के गहने पहनिए। देखिए, जब विद्यासागर का भाग्य पलट जाता है और उनकी तनख्वाह जो है 500 रुपए हो जाती है, तो उस समय उनका मित्र उनके घर आता है और विद्यासागर की माँ के हाथों में मामूली जो चूड़ियां रहती है उनके लिए कहता है कि माता जी, आप एक बड़े अधिकारी की माता हैं और ये जो हाथी दांत की आप चूड़ियां पहनी है आप पे शोभा नहीं देता, आप बल्कि सोने की गहने पहनिए। उसकी यह बात सुनकर विद्यासागर की माँ हंस पड़ी और बोली, बेटा, विद्यासागर की माँ के हाथ की शोभा न तो ये चूड़ियां है न सोने चांदी के गहने, इन हाथों की शोभा तो सदा गरीबों की सेवा करते रहना है। तो उनकी माँ हंसते हुए बोलती हैं कि विद्यासागर की जो माँ है, यानी मैं जो हूँ, वो सोने चांदी के गहने नहीं पहनने से या इन चूड़ियों के पहनने से नहीं शोभा बढ़ती है उनकी, बल्कि गरीब को खाना खिलाने से, उनकी सेवा करने से उनकी शोभा बढ़ती है। कलकत्ता में के देखिए स्वाभिमानी की रस्सा कस्सी, यानी सच्ची सौभाग कई है, इसमें कई है जो ये संस्मरण है, जो घटनाएं हैं वो कई हैं। देखिए, सच्ची शोभा थी तो, यानी यहाँ पे बताई है उनकी माने कि जो सच्ची शोभा होती है वो क्या होती है, चूड़ियां और गहने नहीं होते बल्कि गरीबों की सेवा करना ही ये सच्ची शोभा होती है। अब आगे है, दूसरा है स्वाभिमान की रस्सा कसी, यानी अपने स्वाभिमान की रस्सा कसी। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वह विद्यार्थी एमए की परीक्षा में बैठ सकते थे जो पूर्व परीक्षा में सफल हो चुके हो। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वही विद्यार्थी एमए की परीक्षा में बैठ सकते थे जो पूर्व परीक्षा में सफल हो चुके हो, यानी जो बीए की परीक्षा कंप्लीट कर ली हो, पास हो गए हो, वही लोग क्या करते हैं कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज में प्रवेश के लिए वो बैठ सकते हैं। सन 1906 की घटना है, यानी 1906 की घटना है। कॉलेज का प्रधानाचार्य सख्त स्वभाव का अंग्रेज था, यानी वो सख्त स्वभाव का, यानी कड़ा स्वभाव, यानी आदत, उसकी जो आदत थी प्रधानाचार्य की, बहुत कड़ा शासन था। कौन था वो? अंग्रेज था। पूर्व परीक्षा का परिणाम उसी ने सुनाया। एक सीधा साधा विद्यार्थी भी कक्षा में बैठा हुआ था, उत्तीर्ण छात्रों में कहीं उसका नाम नहीं था। उसने खड़े होकर गंभीरता से कहा, आपने मेरा नाम नहीं सुनाया। यानी जब वो अंग्रेज जो था, सख्त स्वभाव का जो अंग्रेज प्रिंसिपल था, उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल था, वो पूर्व परीक्षा का परिणाम उसी ने सुना रहा था और उस क्लास में एक सीधा साधा विद्यार्थी भी बैठा था जो कि अपना नाम उत्तीर्ण कक्षा छात्रों में से उसका नाम नहीं बोला गया, तो वो कहता है कि मेरा नाम नहीं सुनाया। प्रधानाचार्य ने बताया सूची में तुम्हारा नाम नहीं है, यानी कि तुम उत्तीर्ण नहीं हुए हो। विद्यार्थी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं उत्तीर्ण न हों। यानी वो प्रिंसिपल से पूछता है कि मेरा नाम सूची में क्यों नहीं है, तो प्रिंसिपल ने कहे कि तुम्हारा नाम सूची में नहीं है यानी तुम
उत्तीर्ण नहीं हुए हो, तो वो गर्व से कहता है, विद्यार्थी बोलता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं उत्तीर्ण यानी पास न हूं। यह सुनकर प्रधानाचार्य चिढ़ गए। उन्होंने उस विद्यार्थी की अशिष्टता के लिए 5 रुपया जुर्माना सुना दिया। यानी वो क्या हो गए, चिढ़ गए यानी गुस्सा हो गए, तो उन्होंने अशिष्टता व्यवहार यानी अनादर के लिए, अपनी अनादर के लिए उन्होंने उसके लिए क्या किया, प्रिंसिपल ने 5 रुपए का जुर्माना सुना दिया। उस विद्यार्थी को कहा कि तुमने मुझे अनादर भाव से देखा, इसलिए तुम मुझे 5 रुपए जुर्माना के तौर पे दोगे। लेकिन विद्यार्थी अपनी बात पर अड़ा रहा। जैसे जैसे उसकी जिद बढ़ती गई, वैसे वैसे जुर्माना भी बढ़ता गया। लेकिन वो विद्यार्थी तो शांत और सीधा था, लेकिन पास न होने के कारण वह प्रिंसिपल से अनादर यानी उनको आदर मतलब अपमान भाव से उनसे बातें किया, और वो अपनी बातों पे अड़ा रहा कि जैसे जैसे उसकी जीत बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी जो जुर्माना लगा हुआ था उसके ऊपर वो भी बढ़ता गया। अंत में प्रधानाचार्य ने जुर्माना 50 रुपए कर दिया। इतना वो जिद करने लगा कि जुर्माना भी बढ़कर 5 रुपए से 50 रुपए हो गया। जब दोनों में स्वाभिमान की यह रस्सा कस्सी चल रही थी, तभी कॉलेज के बड़े बाबू दौड़े हुए आए। उन्होंने सूचना दी कि यह विद्यार्थी तो परीक्षा में सर्वप्रथम आया है, भूलवश उसका नाम सूची में जाने से रह गया। देखिए, जब दोनों बच्चे रस्सा कस्सी करते हुए, सॉरी बच्चे नहीं, प्रिंसिपल और बच्चा, देखिए स्वाभिमान की रस्सा कस्सी है ये तो दिया है। जब दोनों में स्वाभिमान की यह रस्सा कस्सी चल रही थी, यानी अपने आत्मसम्मान की आपस में खींचातानी चल रही थी, तभी कॉलेज के बड़े बाबू दौड़े हुए आए। तो कॉलेज के जो बड़े बाबू होते हैं वो दौड़ते हुए आते हैं, जब देखते हैं कि एक प्रिंसिपल और एक स्टूडेंट में रस्सा कस्सी हो रही है, यानी आपस में क्या हो रही है, खींचातानी हो रही है, अपने अपने आत्म सम्मान की, आत्म गौरव की जब खींचातानी हो रही है, तो बड़े बाबू देखते हैं और वहां दौड़े दौड़े आते हैं। उन्होंने सूचना दी कि यह विद्यार्थी तो परीक्षा में सर्वप्रथम आया है। जिस विद्यार्थी से प्रिंसिपल की खींचातानी हो रही थी, तो उसी विद्यार्थी का पूरे कॉलेज भर में पहला स्थान आया हुआ था। भूलवश उसका नाम सूची में जाने से रह गया। देखिए कितनी बड़ी भूल हुई कि वही जो शांत और सीधा बच्चा था, उसको अपने ऊपर गर्व था कि नहीं मैं पास होके ही रहूंगा, तो उसने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं फेल हो गया हूँ। मुझे गर्व है यानी मुझे विश्वास है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं फेल हो गया हूँ। लेकिन इस अशिष्टता की व्यवहार की वजह से, यानी जो अनादर भाव से प्रिंसिपल से बातें कर रहा था वो विद्यार्थी, बल्कि जबकि सीधा साधा था, सिर्फ अपनी उत्तीर्ण न होने के कारण, पास न होने के कारण वो बच्चा प्रिंसिपल से क्या किया, रस्सा कस्सी किया यानी खींचातानी की, और उनके अपने अपने आत्मसम्मान के लिए दोनों ने अपनी तरफ रस्सा कस्सी की यानी खींचातानी की। लेकिन भूलवश देखिए कि थोड़ी सी टीचर की भूल की वजह से या प्रिंसिपल की भूल की वजह से बच्चे का स्थान जो पहला था वो फेल में आ गया। तो ये टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, सबको ख्याल रखना चाहिए कि कहीं भी त्रुटि ना हो जिससे कि मेरा स्थान ही ना आए या मैं पास ही ना हो सकूं। तो देखिए इसमें दिया है, वो बड़े बाबू जब दौड़े हुए आते हैं तो कहते हैं कि ये जो बच्चा है आपसे रस्सा कस्सी कर रहा है, वो स्कूल में कॉलेज में
सर्वप्रथम आया है यानी फर्स्ट आया है भूलवश इसका नाम सूची में से जाने से रह गया। प्रधानाचार्य का चेहरा लज्जा और ग्लानि से झुक गया, लेकिन छात्र का सिर स्वाभिमान से ऊंचा हो गया। यह स्वाभिमानी विद्यार्थी और कोई नहीं, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए ये भी महान शिक्षाविद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये देखिए कि वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो लज्जित हो गए और अपनी पछतावे से अपना सिर नीचे झुका लेते हैं, लेकिन जो वो स्टूडेंट रहता है उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो उनका सिर क्या हो गया, स्वाभिमान यानी गर्व से ऊंचा हो गया कि मैं अपने विद्यालय में सर्वप्रथम आया हूँ। तो ये रही स्वाभिमानी की रस्सा कसी। अगर हमें अपने पे मजबूती है, अपने आत्मसम्मान पे थोड़ा सा भी ग्लानि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हमारा लक्ष्य है उसको हम हासिल कर सकते हैं। देखिए दिया है आगे, सच्ची शिक्षा। महाभारत का युद्ध था, हस्तिनापुर के सभी राजकुमार कौरव और पांडव गुरु से शिक्षा पाते थे। एक दिन गुरु जी ने पाठ पढ़ाया, कभी क्रोध न करो, सदा सत्य बोलो। महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय, महाभारत का युद्ध था, हस्तिनापुर के सभी राजकुमार, हस्तिनापुर ये एक राज्य था, वहां के सभी राजकुमार कौरव और पांडव गुरु से शिक्षा के लिए गए थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे। एक दिन गुरु ने पाठ में अपने पढ़ाया, जैसे हम लोग आपको लेसन में पढ़ाते हैं कि ये लेसन है या इस लेसन में ये चीज कहा है तो ये चीज मत करना, तो वैसे ही उनको उनके गुरु ने एक दिन पाठ में पढ़ाया कि क्रोध मत करना और सदा सत्य बोलना। अगले दिन सबने पाठ सुना दिया, परंतु युधिष्ठिर ने कहा मुझे अभी याद नहीं हुआ। गुरुजी बोले ठीक है कल सुना देना। लेकिन जो कौरव और पांडव थे सबने सुना दिए, लेकिन उसमें से एक जो था युधिष्ठिर नाम का वो नहीं सुनाया, तो वो कहता है मुझे अभी याद नहीं है। तो टीचर बोलते हैं, गुरु बोलते हैं कि ठीक है कल सुना देना, किंतु दूसरे दिन भी युधिष्ठिर नहीं सुना पाए। उनका वही उत्तर था। इस प्रकार कई दिन बीत गए, अब तो गुरुजी गुस्से में पागल हो उठे, उनको खूब पीटा। गुरुजी एक ही चीज को कि इतना छोटा सा चीज हम कहे थे कि क्रोध मत करना, सच्ची सदा सत्य बोलना, यही इसको नहीं याद हो रहा है। एक दिन पूछे, दो दिन पूछे, तीन दिन, चार दिन, ऐसे ही बार बार उनको कहने पे तो गुरुजी जो थे वो गुस्सा गए और उनको खूब पीटा। पिटाई के बाद युधिष्ठिर ने गुरु जी के पैर पकड़ लिए, बोले गुरुदेव आपने मुझे मारा फिर भी मुझे क्रोध नहीं आया, अतः पाठ का पहला भाग कभी क्रोध ना करो मुझे अब याद हो गया, परंतु पाठ का दूसरा भाग सदा सत्य बोलो अभी मुझे याद नहीं हुआ, आरंभ अभ्यास कर रहा हूँ। गुरुजी ने ये शब्द सुने तो वे समझ गए असली पढ़ाई वही है जिसका पालन किया जाए, अन्यथा पुस्तक पढ़ने से क्या लाभ। तो देखिए जब उनकी पिटाई होने लगी तब युधिष्ठिर ने गुरुजी के पैर पकड़कर बोले कि गुरुदेव आपने मुझे मारा फिर भी मुझे क्या रहा है, क्रोध नहीं आया, ये मेरा पहला भाग मुझे कभी क्रोध न करना, ये मुझे क्या हो गया, याद हो गया, परंतु पाठ का जो दूसरा भाग है सदा सत्य बोलो अभी मुझे याद नहीं हुआ, अभ्यास कर रहा हूँ। गुरुजी ने जब ये शब्द सुने तो समझ गए असली पढ़ाई का पालन करना ही, जिसका पालन किया जाए अन्यथा पुस्तक पढ़ने से क्या लाभ, यानी जिस बात को हम आपको पढ़ाते हैं उस बात को अमल करिए और अपने ऊपर ही लाइए, उसको अंदर से मजबूती बनाइए, तब तो वो पढ़ाई पढ़ाई हुई,
अन्यथा बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। बुक में तो नैतिकता की बहुत सारी बातें लिखी रहती है, लेकिन हम कितना अपने में ग्रहण करते हैं, अमल करते हैं, उससे मतलब है, बुक पढ़ने से मतलब नहीं है। तो जितने भी कौरव पांडव थे, युधिष्ठिर को छोड़ के बाकी उन लोगों ने अपने ऊपर अपनाया नहीं, बल्कि बस केवल उसको क्या किए, रट लिए कि हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर जो था वो अपने में उस क्रोध की भावना को अपने से निकाला और हमेशा सत्य बोलने के लिए भी सिखाया, क्योंकि जब गुरु जी ने उनको पीटे तो युधिष्ठिर अपने ऊपर कभी क्रोध नहीं किया या गुरु के ऊपर क्रोध नहीं किया, तो उसने अपनी पहला पाठ अपने गुरु को अपने सामने ही दिखा दिया कि कभी क्रोध नहीं करना, आपने मुझे इतना पीटा लेकिन मैंने क्रोध नहीं किया, ये पहला भाग था। और मुझे जब नहीं याद था तो मैंने सच्चे से बोला कि मुझे याद नहीं है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ याद करने का, ये दूसरा भाग रहा। तब गुरुजी समझ जाते हैं कि जिसका हम अपने ऊपर पालन करें वही सच्चा पाठ होगा, बल्कि पुस्तक में जो पढ़ाई जाने वाली चीजें हैं उसका कोई लाभ नहीं है, जब तक कि हम अपने में ग्रहण न कर सके। आज तक के लिए इतना ही बच्चों, इसके आगे अभी एक और है, संत की महानता, ये हम लोग कल पढ़ लेंगे। अभी आपने सच्ची शोभा पढ़ी, उसके बाद स्वाभिमान की रस्साकस्सी पढ़ी, इसके बाद सच्ची शिक्षा पढ़ी। तो सच्ची शिक्षा वही है जो हम अपने अंदर ढाले और अपने अंदर अमल करें, अन्यथा ये बुक की कही गई बातों को बिना अमल किए ये सच्ची शिक्षा नहीं हो सकती। चलिए, तो ये अभी जो है संत की महानता, ये हम आपके कल के वीडियो में पढ़ा देंगे। आज तक के लिए इतना ही बच्चों, गुड बाय।